खाने के पचने पर बनता है मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, बल, मूत्र, अस्थि, मेद, ये सब पचने पे बनता है। नहीं पचने पर क्या बनता है? यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल, ये सब बनते हैं। और यही आपको रोगों का कारण बना देते हैं, माने आपके शरीर को रोगों का घर बना देते। तो हमें ध्यान किस बात पर देना है? जिंदगी में सबसे ज्यादा ध्यान ये देना है कि जो हम खा रहे हैं वो पूरा ठीक से पचना चाहिए, और खाना ठीक से पचना चाहिए इसके लिए पेट में आग जलनी ही चाहिए, क्योंकि बिना आग के खाना पकता नहीं है और पचता भी नहीं। रसोई में आग नहीं है, आप कुछ नहीं बना सकते। पेट में आग नहीं है, कुछ नहीं पचा सकते। तो महत्व की बात है खाना खाना नहीं, महत्व की बात है खाने को पचाना। आपने क्या खाया, कितना खाया, ये इमेटीरियल है। कोई कहता मैंने 100 ग्राम खाया, कोई 200 ग्राम, कोई 500 ग्राम, ये इमेटीरियल है। पचाया कितना उसमें से, वो मेटीरियल है, वो महत्व का है। आपने 100 ग्राम खाया और 100 ग्राम पचाया, बहुत अच्छा है, और 200 ग्राम खाया और सिर्फ 100 ग्राम पचाया, बहुत बेकार है, आपका रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब है। 500 ग्राम खाया और उसमें से 200 ग्राम भी पचा नहीं सके तो बहुत खराब है। अगर 100 ग्राम खाके 200 ग्राम खाके पूरा पचा लिया तो बहुत अच्छा आपका रिपोर्ट कार्ड है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि खाना खाना महत्व का नहीं, खाने को पचाना। और खाने को पचाने के लिए महत्व की चीज है अग्नि। तो अग्नि जलेगी तो खाना पचेगा, इसका मतलब खाना खाते ही पानी नहीं पिएंगे तभी अग्नि जलेगी, तभी खाना पचेगा, तभी उसमें से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मल, मूत्र बनेगा। तो ये सूत्र दिया गया, खाना खाते ही तुरंत पानी नहीं पीना।